तो कुल मिला के समझना पड़ेगा धीरेन कि कैसे, अगर सीधा रास्ता सिर्फ म्यूचुअल फंड का है तो वो तो समझ में आता है, लेकिन कुछ शॉर्ट रेंज डेट फंड होते हैं, कुछ कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड होते हैं, कुछ टारगेट मैच्योरिटी फंड होते हैं। स्क्रीन पर हमारे दर्शक ये देख रहे हैं, अलग अलग तरह के बॉन्ड हैं, तो हमें चुनना कैसे है कि हमें पैसा कहाँ लगाना है, या सिंपली अपने फंड मैनेजर को फोन लगाना है, म्यूचुअल फंड खरीदना है, कौन सा रास्ता बताएंगे? 16 तरीके के बॉन्ड फंड उपलब्ध हैं। अच्छा, 16 तरीके। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है। जी जी। और जब बॉन्ड फंड का जब आप चुनाव करें तो आमतौर पर निवेशकों की शुरुआत खोज की, बॉन्ड फंड की खोज की ये ऐसे होती है कि सबसे ज्यादा रिटर्न कहाँ मिल रहा है, और काफी अंडरस्टैंडेबल है कि निवेशक ज्यादा रिटर्न के लिए चुनाव करता है। जी। लेकिन ज्यादा रिटर्न देख करके बॉन्ड फंड का चुनाव मत कीजिए, क्योंकि जहां ज्यादा रिटर्न मिलेगा और जहां बहुत ज्यादा रिटर्न मिलेगा वहां बहुत ज्यादा रिस्क भी होगा, और रिस्क आपको कभी कभी उससे आपकी मुलाकात होती है, और जब भी आपका पैसा डूबता है तब केवल ज्यादा रिटर्न के लालच में ही निवेशकों का पैसा डूबता है। तो लालच नहीं करनी है और देख समझ के निवेश करना है, ये बात तो समझ में आ रही है। अभी जो तीन तरह के निवेश हमने डेट की बात करी उसमें से एक था कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड। क्या कंपनियां विज्ञापन के जरिए बॉन्ड इशू करती हैं और हम सीधे खरीद सकते हैं, हमें किसी बैंक में जाने की जरूरत नहीं? नहीं, ये जो बॉन्ड फंड्स है ये म्यूचुअल फंड इशू करते हैं, और ये जो आपसे पैसा, जैसे इक्विटी फंड होता है कि फंड मैनेजर ने आपसे पैसा लिया और बहुत सारे शेयर्स में पैसा लगाया, उसी तरह से इस बॉन्ड में लगाया हुआ पैसा बहुत सारे बॉन्ड खरीदने के लिए इस्तेमाल होता है, और बॉन्ड से मिलने वाला रिटर्न निवेशकों को मिलता है खर्चा काट के। ये जो तीन तरीके के बॉन्ड फंड हम बता रहे हैं वो ऐसे फंड हैं जहाँ पे रिस्क कम से कम है। अच्छा। क्योंकि जब भी आप किसी इसके अलावा जो और 13 तरीके के फंड है वो लॉन्ग मेच्योरिटी के फंड, जैसे लंबे समय का जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में लगाने वाला जो बॉन्ड फंड है, ये जब अभी जब ब्याज दरें बढ़ी हैं तो उसमें गिरावट ज़्यादा हुई है, क्योंकि जितना लंबा मेच्योरिटी होगा उतनी ज़्यादा गिरावट होगी जब ब्याज दरें बढ़ेंगी। और इसका उल्टा असर भी देखा जाता है, जब ब्याज दरें कम होंगी तब बॉन्ड फंड्स में अचानक मुनाफा होता है। एक लेकिन इन बॉन्ड फंड को खरीदने का एक सबसे बड़ा एक कारण है जी, कि जब भी आप किसी बॉन्ड में पैसा लगाते हैं तो उससे मिलने वाला जो इंटरेस्ट है वो आपके लिए टैक्सेबल होता है। बिल्कुल, तो टैक्स उस पर लगेगा जो मुनाफा उस पर होगा सारे बॉन्ड्स में। लेकिन बॉन्ड फंड का एक खास फायदा है जी, कि उसमें लगाया हुआ पैसा अगर आप 3 साल तक होल्ड करते हैं तो उसको कैपिटल गेन्स माना जाता है। अच्छा। और कैपिटल गेन्स का दर इनकम टैक्स से बहुत कम है। अच्छा। क्योंकि इंडेक्सेशन के बाद उस पर अगर आपको 20% देना पड़ता है तो आज के दिन वो टैक्स रेट करीब 3-5% हो जाएगा। तो ये है कि कुछ बॉन्ड फंड टैक्स बचाना हो तो टैक्स कम लगेगा उसी इनकम पर, तो ये भी एक तरीका। अगर बड़ी रकम आपको डालनी है तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छी जगह है। बॉन्ड फंड बहुत ज्यादा टैक्स एफिशिएंट है। टैक्स एफिशिएंट फंड्स हैं ये। डेट म्यूचुअल फंड्स की बात हो रही है, बॉन्ड फंड्स की बात हो रही है, और अब बारी है आपको कुछ बता दें चुनिंदा फंड्स के नाम, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, और फिर धीरेन से पूछेंगे कि इनके रिटर्न्स और इनकी रेटिंग कैसे दी है वैल्यू रिसर्च की टीम ने। यह है एक्सिस का शॉर्ट टर्म फंड डायरेक्ट प्लान। ये है, इस पर 4 स्टार की रेटिंग है वैल्यू रिसर्च की, और पिछले 5 साल में सालाना 7% से ज्यादा का रिटर्न इस पर मिला है। हजारों करोड़ लोग रुपए इसमें लगे हुए हैं कई लोगों का। और ऐसा ही एक और फंड है HDFC का शॉर्ट टर्म डेट फंड डायरेक्ट प्लान, जिसपे वैल्यू रिसर्च की रेटिंग है 4 स्टार की, और इसमें करीब 13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा लगा हुआ है निवेशकों का, करीब 7.2 यानी 7% से ज्यादा का सालाना रिटर्न पिछले 5 साल में मिलता आया है। अगला फंड उसका नाम मैं बता दूं आपको, ICICI प्रूडेंशियल का कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड डायरेक्ट प्लान, इस पर भी 4 स्टार की रेटिंग है और ये 7% के आसपास मुनाफा देता रहा है साल दर साल पिछले 5 साल से। इसमें और ज्यादा पैसा लगा हुआ निवेशकों का, 15,000 करोड़ रुपए। इनके अलावा कुछ और फंड्स के नाम आपको फटाफट बता दूं, कोटा का कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड है स्टैंडर्ड प्लान, जिस पर 4 स्टार की रेटिंग है और आप देख रहे हैं 7% ज्यादा का मुनाफा। और ऐसा ही एक और फंड है आदित्य बिरला सन लाइफ का निफ्टी SDL अप्रैल 2027 इंडेक्स फंड, इसमें टारगेट मैच्योरिटी के साथ आपको मेंशन करना जरूरी है हमें। धीरेन, इसका क्या मतलब है टारगेट मैच्योरिटी और 2027 इंडेक्स फंड? ये नाम पढ़ते पढ़ते देख आम निवेशक कहीं ना ऐसा लग रहा है कि ये फाइनेंस में MBA हो गया पूरा। ये जी हाँ, निवेशकों के लिए बड़ा हतोत्साहित करने वाला या जार्गन है जो कि समझ में नहीं आता है, इस वजह से आप थोड़े अप्रिहेंसिव रहते हैं। लेकिन इसका मतलब यह है कि ये अप्रैल 2027 में, इसमें जो अधिकतर बॉन्ड्स है वो अप्रैल 2027 में मच्योर करेंगे, तो जो रिटर्न मिलेगा वो इकट्ठा 2027 में मिलेगा। हाँ, और आप अगर लगा रहे हैं आज 2022 में,
तो कम से कम 5 साल के नज़रिए से लगाइए, तो इस पे जो अंडरलाइंग बॉन्ड्स हैं उसका जितना भी इंटरेस्ट है वो सब आप रियलाइज़ कर पाएंगे अगर इस पीरियड तक आप होल्ड करते हैं। इसमें भी अनुमानित रिटर्न 7.75% का, और 2027 में मैच्योर होने वाला एक और फंड है कोटक निफ्टी SDL अप्रैल 2027 टॉप 12 इक्वल वेट इंडेक्स फंड डायरेक्ट प्लान टारगेट मैच्योरिटी, ये इसका पूरा नाम है। तो 7.75% का रिटर्न इसमें अनुमानित है अगले 2027 तक का सालाना। तो ये आपकी टीम धीरेन्द्र वैल्यू रिसर्च कैसे इसकी रेटिंग्स करती है और इन फंड्स में क्या खास है जो हमने 6 फंड्स चुने? आखिरी वाले जो 2 फंड है टारगेट मैच्योरिटी फंड, यहाँ पे तो आप 5 साल के नज़रिए से ये सुरक्षित फंड है, और जहाँ पे इस अवधि के लिए अगर आप लगाएंगे, क्योंकि आमतौर पर निवेशकों को नुकसान तब होता है जब आप ज़्यादा रिटर्न देख के किसी फंड का चुनाव करते हैं और वो काफ़ी समय के लिए या कम समय के लिए वो एक अनुचित चुनाव हो जाता है। तो इन फंड्स, ये जो सारे फंड हैं, इसमें चुनाव का आधार ये है कि इसमें निवेशकों के डूबने की संभावना कितनी है, इसमें जो बॉन्ड्स हैं उनका क्वालिटी कैसा है। ये ज़रूरी नहीं है कि ये सबसे बेहतरीन रिटर्न देने वाले फंड्स हों, ये बेहतरीन रिटर्न देने सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाले फंड्स अपने कैटेगरी के नहीं हैं, इनसे ज़्यादा रिटर्न देने वाले फंड्स आपको वहाँ पे उस कैटेगरी में दिख जाएंगे, लेकिन इनमें लोगों के पैसे के डूबने की संभावना बहुत ही कम है। और ये आधार फिक्स्ड इनकम फंड के चुनाव में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे लोग अपना रिटर्न बहुत बढ़ाने के लिए नहीं आ रहे हैं, यहाँ पे लोग निवेश करते हैं ताकि उनको वो निश्चिंत रहें कि इतना पैसा करीब मिल जाएगा, थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव हो जाए। क्योंकि डेट फंड और इक्विटी फंड में सबसे बड़ा अंतर है कि इक्विटी में बहुत बड़ा स्विंग हम देखते हैं, कभी 20% गिर जाता है, कभी 15% गिर जाता है। डेट फंड में जो स्विंग होता है या उतार चढ़ाव जो होता है वो उस स्केल का नहीं होता है, और ज्यादा भारी उतार चढ़ाव जो शेयर बाजार में आप देखते हो यहाँ नहीं देखते। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।